हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना से लड़ने के लिए देश भर से खुद प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं और इसी के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई और अब कई इलाकों में सील डाउन किया गया है, लेकिन इस सब के बीच में लगातार सैनिटाइजेशन और बाकी काम भी जारी है जिससे कि कोरोना को हराया जा सके। ऐसी ही पहल की गई है नोएडा में, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नोएडा में एक वज्र वाहन चल रहा है। अमूमन जब वज्र वाहन चलता है तो वो उन इलाकों में उन जगहों पर भेजा जाता है जहां पर दंगे जैसे हालात होते हैं, लेकिन ये वज्र वाहन कुछ अलग है। क्या अलग है ये दिखाने के लिए हम आपको यहां पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं कोरोना COVID-19 फाइटर वज्र वाहन है, लेकिन ये जगह जगह छिड़काव करता हुआ जा रहा है। फिलहाल अलग अलग इलाकों में कुछ इस तरीके से छिड़काव हो रहा है क्योंकि सैनिटाइजेशन का जो कार्यक्रम है वो उसको सफलतापूर्वक करना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में देखा भी गया है कि जो मामले 4 अप्रैल तक 58 थे वो फिलहाल पिछले 6 दिनों में सिर्फ 6 मामले ही सामने आए हैं। आखिर क्या है ये वज्र वाहन? यहाँ पर हेल्थ सर्विस के OSG इंदु प्रकाश सिंह जी हमारे साथ में है। इंदु प्रकाश जी, क्या है ये जो वज्र वाहन चल रहा है, इससे क्या फायदा होगा? जिस प्रकार से दंगों में वज्र वाहन का उपयोग किया जाता है दंगों को समाप्त करने के लिए, उसी प्रकार से ये हमारी हेल्थ की टीम ने इस वज्र वाहन का उपयोग इसके लिए किया है कि कोरोना को हम जड़मूल से समाप्त कर देंगे। इसका प्रयास इसमें आप देख रहे होंगे कि आगे पीछे अगल बगल पूरे ही जो है वो नोजल्स जो लगे हुए हैं उनके कारण पूरी सड़क जो है बहुत ही कम पानी और कम दवाई में पूरी की पूरी सड़क जो है आपको देख रहा होगा कि पूरी की पूरी सड़क भीग रही है। तो प्रयास यही है कि एक भी कण एक भी क्षण बचे न जो कि कोरोना प्रभावित एरिया हो और वो हमारा सैनिटाइजर उस पर न पड़ जाए। इसमें कौन से केमिकल का कैसे सैनिटाइज आप लोग कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में पहुंच कर? इसमें हाइपोक्लोराइड डाला जाता है 1%, वही डाला जा रहा है और उसी से पूरे इलाके का जो है वो सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। तरीके से अलग अलग इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है, हाइड्रोक्लोराइड इसमें डाला जा रहा है। देख सकते हैं कि नोएडा के उन सभी इलाकों में ये जो वज्र वाहन है जिसको वज्र वाहन नाम दिया गया है ये लेकर के जाया जा रहा है और फिलहाल अलग अलग इलाकों में इस तरीके से छिड़काव हो रहा है। सिर्फ रोड के दोनों साइड ही नहीं, रोड के पीछे की तरफ भी ये छिड़काव हो रहा है और कुछ इस तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि नोएडा के अलग अलग इलाकों को सैनिटाइज किया जा सके, खास तौर पर उन इलाकों को जहां पर जो है ज़्यादा इस तरीके का खतरा बना हुआ है या जो हॉट स्पॉट के तौर पर सामने आए थे, तो उन इलाकों को भी सैनिटाइज करने के लिए ये इंतज़ाम किया गया है। और ऐसे में इस ट्रक को या इस वज्र वाहन को उन इलाकों में भेजा जा सकता है जो सील किए गए हैं और उसके बाद में जो उन इलाकों को सैनिटाइज किया जा सकता है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़ नोएडा। ABP News, आपको रखे आगे।